वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। क्रैश बैरियर के जो है BBS कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक तो वो है और दूसरा है आपका उसका क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। उसके अलावा क्रैश बैरियर के बारे में एक तीन चार मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपका हमेशा मतलब याद रखना है कि यार क्रैश बैरियर आप कर रहे हैं तो क्या क्या वो देखना है, वो तीन चार पॉइंट्स है, ठीक है, वो सब देखते हैं। जैसे कि इसको कोई ज़्यादा सरिया नहीं रहता है, दो मेन पर रहता है और कहीं कहीं एक ही मेन पर से भी काम हो जाता है। इसमें दो जैसे कि दिया है और उसका डिस्ट्रीब्यूटर है और एक कार्नर का डिस्ट्रीब्यूटर इसमें दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी इसके BBS कैसे करेंगे वही हम देखने वाले हैं। और जैसे कुछ इनपुट डायरेक्ट दे देंगे तो कुछ चीज़ डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुछ चीज़ डायरेक्ट आपको करना पड़ेगी, उस टाइप की है। और उसको ड्रा करके भी हमने समझा दिया कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या है, ठीक है, तो आप इजीली आपको इसमें समझ में भी आ जाएगा। जो डायमेंशन करने के लिए सब कुछ इसमें हमने बता दिया है। अभी आइए स्टेप बाई स्टेप देखते हैं क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो नोट्स में मैंने बताया था ना, वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बताता हूँ। आपका क्रैश बैरियर है, ठीक है, उसके जो ग्रेड है वो कभी भी M40 से नीचे नहीं होना चाहिए, M40 ही होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों है वो बता रहा हूँ। क्रैश बैरियर इसके मतलब क्या है, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे क्रैश मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कि गाड़ी जो टक्कर कर रहे हैं उस टाइप की जो क्रैश हो रहे हैं ना उसको कहते हैं क्रैश। और बैरियर क्या है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो उसके मतलब आप रुकवा रहे हैं, ठीक है, जैसे क्रैश होने से रुकवा रहे हैं, इसलिए इसके नाम है क्रैश बैरियर आया था, ठीक है। तो अब क्योंकि अगर कोई गाड़ी उसमें टकरा रहे हैं तो उसको जो स्ट्रेंथ भी ठीक होना चाहिए ताकि वो ना टूटे, अगर टूट के मतलब वो गाड़ी दूसरी तरफ ना गिरे, क्योंकि कोई भी ब्रिज यार उसके ऊपर ये बनता है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि ब्रिज जैसे कि आपका कुछ हाइट में रहता है, जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर रहता है, तो उस हाइट पर ना गिरे इसलिए ये लगाते हैं। जैसे कि ये कहीं इसके एक स्टैंडर्ड साइज़ भी होता है। और उसके अलावा क्या है कि सिर्फ ब्रिज में ये लगाते हैं, जैसे कि ब्रिज जैसे कदम होता है, जो अप्रोचेस होता है ना, जो एम्बैकमेंट होता है, अप्रोचेस के जहाँ पे आपका मेटल बीम क्रैश बैरियर लगता है, ठीक है, एक तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड, जैसे कि स्टील के जो ग्रेड है वो 500D होगा और जैसे कि आपका आउटर मोस्ट जो कवर है वो 50mm है। जो सबसे मेन पॉइंट है डबल बार है, ठीक है, भाई डबल बार क्या है, डबल बार्स ऑफ द क्रैश बैरियर शैल बी प्रॉपरली एंकर्ड इन द इन टू द डेक स्लैब। ये क्या है वो मेन चीज़ मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो क्रैश बैरियर है, इसके जो ये दोनों मेन बार है ना, ये दोनों मेन बार पहले लगा होना चाहिए जो स्लैब के कास्टिंग का टाइम है, क्योंकि पहले स्लैब कास्टिंग होगा उसके बाद ये होता है। ये सबसे पहले लगा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको इसमें सिर्फ उस टाइम में जो स्लैब होने के बाद क्रैश बैरियर के टाइम पे सिर्फ बाइंडर लगा के, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लगा के, शटर लगा के कंक्रीट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अभी आइए इसको देखते हैं कैसे करना। सबसे पहले हम इसको क्या है कि थोड़ा ये शेप जो है ना थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए हम एक बार इसमें ड्रा कर लेते हैं। ऑटोकैड में हमने ड्रा करके पहले से रखा है, ठीक है तो ये हमने रखा है। जैसे कि ड्रा करके हमने जो चीज़ रख लिया, जो एज़ पर जो डायमेंशन है, यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हो क्या क्या है। 500 जो है ये जो बॉटम की जो डायमेंशन है, और 1100 जो हाइट है, ये जो थोड़ा सा टैपर है ये 50mm यहाँ पे दिया है, 225 टॉप विड्थ है, और यहाँ पे जो टेपर है वो 50mm है, और ये जो टेपर है ना ये 175 है। और टेपर का जो ये जैसे बनानी है, इसके एक फिलेट कमांड है, सब कुछ बताएंगे। अब जैसे ये सब बन गया, ठीक है, इसका क्वांटिटी कैसे निकालें यार, ठीक है। क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया का एक कमांड है, क्या होगा, एरिया का कमांड आ जाएगा। एरिया इसको जैसे कि एरिया मिल गया ना, तो उसके बाद इनटू आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, ठीक है। एरिया करने से पहले यहाँ सब कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसको सबको एक ही ऑब्जेक्ट जैसे इस टाइप की बनानी है, ठीक है, तो उसका क्या है, जॉइन है, JOIN, जॉइन, नहीं तो इसका कमांड है J, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जॉइन करके इसको ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, जॉइन कमांड देते हैं एंटर करने के बाद, इस टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे फिर एंटर करेंगे, ये जैसे जॉइन होगा। अभी एक ही ऑब्जेक्ट होगा, कहीं भी सेलेक्ट करें ना, पॉइंट सेलेक्शन करें, नहीं तो जैसे ये क्रॉस सेक्शन टाइप सेलेक्ट करें, ठीक है, तो आपको ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी क्या करना है, एरिया कमांड AREA, ठीक है, एरिया कमांड डाला मैंने, उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए वो एक कमांड डाल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे पूछेगा आप देख सकते हैं, एरिया स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट, मतलब आप हर पॉइंट स्पेसिफिक करना चाह रहे हो, नहीं तो ऑब्जेक्ट ऐड एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया, तो मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ क्या है, इसमें एक ब्लू कलर में दिख रहा है ना, अलग से दिख रहा है, तो वो है, ठीक है, मैं वो डाल के एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद वो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी दिख रहा है, 0.361, ठीक है, स्क्वायर मीटर है। इंटू वन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, इंटू वन करेंगे तो 0.361 क्यूबिक मीटर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर भी आ रहा है, जैसे अगर शटर के लिए आपको पेरीमीटर चाहिए वो भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात है कि ये जो टॉप और बॉटम पे शटर नहीं लगेगा, वो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शटर का स्क्वायर मीटर भी मिल जाएगा,
उससे आप कहीं पे आपका उसका शटर का एरिया भी चाहिए तो वो भी निकल जाएंगे, एरिया से वेट भी निकाल सकते हैं। एक जैसे स्टैंडर्ड है एक स्क्वायर मीटर में यार 65 kg से 75 kg तक रहता है, ठीक है, उस टाइप की है। जैसे आपका MS शटर है क्या है उस टाइप के आप देख सकते हो। ये तो हो गया कॉन्क्रीट क्वांटिटी। अभी स्टील में आते हैं, जैसे सेम जो बना है ना इसी को क्या करेंगे 50-50 हम ऑफसेट करके सब कुछ ये बना लेंगे, तो इसका जो सेप आ जाएगा, ठीक है, इससे जैसे कि आप अनोटेट में जाएंगे और डायमेंशन में अलाइंड में जाएंगे, यहाँ पे जो भी चाहिए आपको डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बार मार्क क्या है, सबसे पहले बार मार्क है 1 नंबर, ठीक है, 12 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर। अभी आते हैं जो BVS पे, यहाँ पे जो नॉर्मली हम दे दिया, सबसे पहले आपको क्या है कि स्लैब थिकनेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती बहुत बंदे से होता है, मैंने देखा हूँ। अगर क्या है कि बहुत सारे जो स्टार्टिंग में फ्रेशर्स करते हैं ना, क्या करते हैं वो इस डायमेंशन सब ले लेते हैं, ठीक है, इसी डायमेंशन का यहाँ पे जो देखते हो ना इस स्लैब को भूल जाते हैं डायरेक्टली इसी टाइप का। जैसे 1100 mm है ना, 1100 mm का सब कुछ बना लेते हैं, वो एंकरेज के लिए जो नीचे जाना है वो उनकी हाइट नहीं मिलता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि यार आपको स्लैब का हाइट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद ही सरिया निकालना पड़ेगा, सरिया का हाइट यानी 1100 प्लस जैसे नॉर्मली 220 mm का स्लैब रहता है तो वो भी आपको करना पड़ेगा, वो करके यानी आपका 1320 हो जाएगा। तो ये टेपर हाइट सब देखने के बाद 1 mm कुछ बढ़ रहा है, तो ये सब देखने के बाद ही आपको स्टील निकालना पड़ेगा स्टील का हाइट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है बहुत लोग कटिंग बेंडिंग भी हो जाते हैं इसी टाइप का, क्या करते हैं ना, यहाँ पे तो हमने सही करा 1221 करा, कोई कोई जैसे यार 1100 है 50-50 का और माइनस करा 1 मीटर के यहाँ पे डाल दिया तो डायरेक्टली कटिंग बेंडिंग भी हो गया। फिर वो लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, वैसे अगर केसेस में क्या करते हैं तो ये सरिया यहाँ तक जो होना चाहिए ना, क्योंकि ये नीचे तो आपको इंसर्ट करने पड़ेगा, इंसर्ट जो करेंगे तो यहाँ तक ही मिलता है, 220 mm कम मिलता है। तो उस टाइम में क्या करते हैं फिर आपको एक यूबर बनाना पड़ता है, ठीक है, यूबर बना के फिर उसमें सारे वो लैप भी इसमें करना पड़ता है, तो लैप आपका सब कुछ नुकसान है। प्लीज़ दोस्तों वो गलती मत करिएगा, अगर कहीं हो गया तो फिर आपको एक यू टाइप का, ठीक है, मतलब एक यूबर कैसे बनाने पड़ेंगे वो भी बताता हूँ। जैसे कि एक यूबर बनाना पड़ेगा, उसमें आप ये चीज़ आप कर सकते हो कि अगर मतलब अगर गलती हो ही गया तो फिर यार क्या करें, ठीक है, उस टाइम में ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तो गलती मत करिएगा। इस टाइप के यूबर बनाना पड़ेंगे, ठीक है, टॉप बिट जैसे कि आप 225 रख ले, 225 के जगह पे 125 जो भी रख लेंगे, और ये क्या होगा जो छुटा हुआ लेंथ है ना 220 प्लस और लैप लेंथ, ठीक है, जो भी आपका 53 डाया मतलब दोनों जो प्लस करके फिर ये आप दोनों बनाना पड़ेंगे। आपके लैप लेंथ तो यार मतलब वही है, लैप लेंथ तो आपका फालतू हो जाएगा, दोनों साइड इंटू दो है, और ये भी आपके नीचे भी दे दिए ये भी जाएगा, ये चलो ये तो जाना ही जाना था ये जो हाइट है, और ये लैप लेंथ, ठीक है, ये दोनों आपको क्या है नुकसान जाएगा। ये प्रॉब्लम है अगर उस केस में, अगर मे भी आपने बना लिया कहीं गलती से कटिंग मेटिंग हो गया बहुत सारे जरिया, तब ये प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। अब ठीक है, अगर उसके बाद क्या है, अभी यहाँ पे आपने यहाँ से तो आप वो सब ले सकते हो, ठीक, अब देख लेते हैं बार मार्क नंबर 1 हो गया 12 mm का कर दिया, 150 mm कर लिया, ठीक है, ये जो डायमेंशन से मैंने वहां से ले लिया सब कुछ, ठीक है। अब अगर ऑटोकैड से नहीं निकालना चाह रहे हैं डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या फर्क रहेगा, अगर डायरेक्ट करेंगे इसमें क्या फर्क रहेगा यार, यहाँ पे 1.22 रहेगा, यहाँ 1 मीटर ही रहेगा, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ 1 से 2-3 mm रहेगा, तो वो सरिया में कटिंग बटिंग आपके दिखेगी भी नहीं 1-2 mm, तो आप ऑटोकैड से भी नहीं निकाल सकते हो और नॉर्मली भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ 800 कैसे आया, 800 यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो दिया है 800, ये आ गया आपका 800, ठीक है, ये तो आ गया 1.221 कैसे आया मैं बताता हूँ। ये जैसे 1100 था प्लस 220 क्या हो गया 1220 हो गया, ठीक है, और ये जो टैपर था इसलिए 1 mm बढ़ गया तो 1221 हो गया, मतलब 1321 हो गया, प्लस उसके बाद आपका ये जो कवर है दोनों साइड में यहाँ पे 150 यहाँ पे 150 100 mm माइनस करने के बाद आपको 1221 हो गया, तो ये आ गया, ठीक है, ये 125 आया कैसे आया, यहाँ पे आपको 225 था जो है, ठीक है, तो 50-50 कवर माइनस किया, कवर यहाँ पे जो दिया ही है आपको, ठीक है, तो कवर माइनस किया तो 125 आ गया, ये भी ठीक है, ओके। ये 1003 कैसे आया, 1 मीटर कैसे है वो बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1100 है ना, ठीक है, तो ये थोड़ा टैपर ये वाला जो टैपर की वजह से आपका 3 mm बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कवर और यहाँ पे कवर माइनस करके जैसे यहाँ पे आप सरिया देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, दोनों साइड में कवर माइनस करेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर 3 mm, ठीक है, 1.003। और ये 150 mm कैसे आया,
यहाँ जैसे आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, ये जो सरिया यहाँ इस सरिया तक आप लेके जा सकते हो सेल को, ठीक है। ये कितना रहेगा वो हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ कवर 50 mm है ना, तो ये 50 और प्लस उसके बाद यहाँ 50 माइनस हो जाएगा, तो आप इतना ही ले सकते हो। ये कितने का है जैसे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो है 175 है, ठीक है, तो हमने 150 में यहाँ पे जो है लिया है। नहीं तो आप ये भी देख सकते हो, जैसे ये भी 50 समय यहाँ पे भी टेपर जा रहा है ना, ये जाने के बाद ये भी कम हो जाएगा, 125 समय ये कम हो रहा है, तो इसलिए ये 150 आ रहा है, तो हमने वही कर दिया यहाँ पे 150, ठीक है। और बेंडिंग करेक्शन क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो राइट एंगल में मुड़ रहा है तो 2D है, बाकी जो भी एंगल में मुड़ रहा है 1D है, तो यहाँ के लिए 2D, ठीक है, यहाँ के लिए 1D, यहाँ के लिए 1D और यहाँ के लिए 1D, मतलब 1, 2, 3 और सॉरी ये भी आपका राइट एंगल नहीं है, ये भी थोड़ा से क्योंकि ये तो एंगल से यार, ये भी 1D है, तो 4D हो गया, 4 × 12 48 mm हो गया, स्पेसिंग यहाँ पे है, ठीक है। और आपके जो लेंथ हम 10 मीटर का एक अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर माइनस दोनों कवर माइनस कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई स्पेसिंग 150, ये mm पे है, मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्लस 1 कर दे रहे हैं जो नॉर्मली होता है आपका, उसके बाद राउंड कर लिया जो नंबर को, ठीक है, राउंड करके आपका 67 आ गया। ये जो सेम चीज़ है यहाँ पे भी 67 आ रहा है, बेंडिंग करेक्शन यहाँ पे भी, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे आपका राइट एंगल है, तो यहाँ पे 2 + 2 4D हो गया, इसलिए 4 × 12, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है ये देख लेते हैं, यहाँ पे जो 800 कैसे आया, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे उन्होंने 800 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये तो दिया हुआ। और नेक्स्ट ये जो हाइट कैसे लिया, ये हाइट के लिए हमने जैसे कि डायग्राम जो बनाया ना, इसमें जो ऑफसेट सब करके फिर ये जैसे कि इसके भी ऑफसेट करेंगे और इसके भी ऑफसेट करेंगे, दोनों जो मर्ज होगा, जो इंटरसेक्शन होगा ना कटेगा, उस जगह पे हमने ले लिए, तो यहाँ से यहाँ हाइट हमने ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर क्यों दिया, ये दिखाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा अलग अलग सरिया, इसलिए दिया है। ऐसे मैं जो हाइट लूँगा यहाँ तक ही लूँगा, ठीक है, यहाँ तक जो मैंने हाइट लेके देख लिया वो जो आ रहा है आपको वहाँ पे डायरेक्ट मैंने कर लिया, 0.304 आ रहा है, मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। जैसे ये जो हाइट है 0.304 आ रहा है, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो टैपर है वो टैपर का भी आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो 0.645 है, वो भी हमने यहाँ पे जैसे नाप लिया ऑटोकैड से, ठीक है, 0.6 वो भी नाप लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमने 150 mm, मतलब हर अब यहाँ पे जो बाइंडर्स है ना वो कितने में जा रहे हैं वो देख लीजिएगा, जैसे कि 150 mm पे जा रहे हैं ना, ताकि ये इसमें दो बाइंडर अपने आप आ जाएं, जैसे कि इसमें दो बाइंडर आ जाए उसके हिसाब से आप लेंथ रख सकते हो। तो मैं ये अप्रॉक्सीमेट मान रहा हूँ कि यहाँ पे एक बाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे एक बाइंडर आ जाएगा, इसके मतलब है आपके दो बाइंडर की जो डिस्टेंस है वो 150 mm है, इसलिए मैंने 150 mm ये लिया हूँ, ठीक है। नहीं तो आप 150 + 2 सरिया का यानी 2 बाइंडर का भी आप ले सकते हो, जो बाइंडर है आपको यहाँ पे जो आएगा 3 नंबर और 10 mm है, तो आप 10 10 mm प्लस करके ले सकते हो, ठीक है, यानी 170 mm आप ले सकते हो, ठीक है, वो ताकि आपका क्योंकि दोनों बाइंडर में आ जाएगा तो वो ठीक रहेगा आपका जो इसके लिए वो सही रहेगा, तो मिनिमम आप 150 mm तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, जैसे इससे कम तो कहीं भी स्पेसिंग भी नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया, फिर उसके बाद क्या है 3 नंबर 10 mm डायग्राम 150 mm सेंटर टू सेंटर, थोड़ा सा जो यहाँ पे आपको जो येल है दिख रहा है, ठीक है, इसलिए आपको वो करना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो लेंथ है 10 मीटर से दोनों साइड कवर माइनस कर लिया, 9.9 आ गया, ठीक है। फिर ये कैसे आया, ये एक चीज़ है बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि भाई यहाँ पे येल तो उन्होंने दे दिया लेकिन येल कितना है वो नहीं दिया, वो कैसे करना है आपके दोस्तों, ये बहुत जगह पे ये काम आएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। जैसे कि मेरा 225 mm का टॉप विड्थ है, ठीक है, कवर माइनस करने के बाद 225 माइनस 50 माइनस 50 हो गया, 125 mm आ गया, ठीक है, सरिया टू सरिया आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी आप इसमें क्या कर रहे हैं, जो बाइंडर है वो कहाँ पे कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, बाइंडर अंदर ही लगा रहे हैं ना, ठीक है, तो अंदर क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सरिया का माइनस कर लो, 12 12 2400 माइनस कर लेना इसमें भी, ठीक है, तो 125 माइनस 24 आपका क्या हो गया, 101 mm हो गया, ठीक है दोस्तों, ये जो है 101 mm हो गया। यहाँ पे मैंने नहीं करा इसलिए यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है, 101 mm हो गया। इसको एल का कैसे करना है, जो आपके जो बचा हुआ जगह है वो ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक 101 mm है, ठीक है। तो अभी 101 mm के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आएगा ना उसको 2/3 करना है, 2/3 करना है, ठीक है, तो 2/3 जो करेंगे तो आपका आपने आप आपको वो
सही हो जाएगा। अभी देखते हैं वो कैसे करना है। जो टू थर्ड जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं, जो टू बाई थर्ड इंटू क्या है आपको वो कर सकता है, मतलब मल्टीप्लाई टू थर्ड करने के बाद ठीक है इंटू 101 एमएम जो है वो करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाई 101 एमएम ठीक है। तो आपको ये क्या आएगा 101 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 67.3 एमएम, यानी 67 एमएम आ रहा है। तो आप 67 एमएम करेंगे तो आपको ओवरलैप भी हो जाएगा। ये मेन क्या है कि ये दोनों एल है ना, दोनों सेट्स का एल आएगा वो ओवरलैप भी होना है। अभी आप देख लो 100 एमएम बचा है दोस्तों ठीक है, यार बीच में जो बचा है 101 एमएम ठीक है, 101 एमएम की जगह पे आप 67 करोगे ना तो 67 प्लस दूसरे सेट से आएगा 67 तो क्या हो जाएगा आपके हो जाएंगे 134। तो 134 में जो बचा हुआ जगह तो 100 ही है, जो 34 एमएम है आपके ओवरलैप हो जाएंगे ठीक है दोस्तों। यही जो इसमें कॉन्सेप्ट है, तो आप इसमें से जो लैप हो जाएंगे जो ओवरलैप होगा ठीक है वो 34 एमएम हो जाएगा ठीक है, इसलिए हमने इस टाइप के करा है ठीक है। यार यहाँ पे तो भाई ठीक है तो आपको 67 एमएम में हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो जाते जाते जो वेरीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ठीक है, यहाँ पे आपको इसी के हिसाब से भी कैलकुलेट करना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 67 आ रहा है ना, 67 मोड़ना भी मतलब 75 एमएम से कम तो कोई एल भी नहीं मोड़ सकता, बहुत मुश्किल होता है ठीक है। इसलिए यहाँ पे मिनिमम क्या करना होता है 100 एमएम तो आप रख ही सकते हो, क्योंकि 100 एमएम है तो आपको पूरा एल हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं, तो 100 एमएम तो आप लगा सकते हो ठीक है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, वो फार्मूला तो रहने देता हूँ ताकि आपको भी ये हो जाएगा ठीक है, प्लस 0.033 एमएम कर लेता हूँ ताकि आपको फार्मूला रह जाएगा इस फार्मेट में ठीक है। 100 में मिनिमम, जैसे मिनिमम एल जो है ना उस 75 से 100 तक ही मोड़ सकते हैं, 75 के नीचे तो मोड़ ही नहीं सकते, 75 भी यार मुश्किल होता है कोई बड़ा सरिया तो उसमें मुश्किल होता है ठीक है। तो इसलिए 100 एमएम तो यहाँ दे दिया, और बाकी आप यहाँ के लिए आप देख सकते हो, यहाँ के लिए दो तीन सरिया है ना तो यहाँ के लिए जो एल आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका 500 एमएम है ठीक है, और 500 एमएम है तो यहाँ 500 है तो मैं एक ये कर लेता हूँ 500 कवर माइनस करके 400 है, फिर 25 माइनस हो लगभग 24 माइनस हो जाएगा तो लगभग 376 आएगा ठीक है। तो 376 का क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ है, 376 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 आपके यहाँ 250 एमएम का एल आ रहा है ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आप 100 एमएम जो दे रहे हो ना, यहाँ पे जैसे 100 एमएम दे रहे हो तो यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर लेता हूँ वो सही रहेगा ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड कर रहा हूँ ठीक है, ऐड कर लिया कंट्रोल सी कंट्रोल नीचे ऐड कर लेते हैं क्योंकि जो ऊपर का तो हमें पता ही है ठीक है। अभी आ गया ठीक है, यहाँ पे तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, मैं वही डाल देता हूँ ठीक है। और नंबर्स में आपको देखने पड़ेंगे भाई ऊपर कितना आ रहा है यार, यहाँ तक तो यार 100 एमएम से ही चल जाएगा लगभग ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक तो आपकी 100 एमएम से चल जाएगा। सिर्फ इधर के लिए जो प्रॉब्लम है बस इन दोनों सरिये के लिए, मतलब 1 2 3 4 सरिये के लिए लगभग, मतलब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आएगा, जो आपके ड्राइंग में दिखाता हूँ टोटल यहाँ पे 8 आ रहा था तो यहाँ पे 3 आएगा ठीक है। तो 3 सरिया में हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 250 करके ठीक है, 3 3 6 यहाँ पे हो जाएगा, अरे ये 9 + 8 आ रहा था दोस्तों ठीक है, जैसे कि एक साइड में 9 आ रहा था, इस साइड में 9 आ रहा था और इस साइड में 8 आ रहा था, 9 + 8 हमने करा था तो अभी 3 3 6 हम कम कर लेते हैं ठीक है। जैसे कि 9 + 8 है ना, इस जगह पे कर लेते हैं 6 + 5 ठीक है, यहाँ 6 कर लेंगे तो यहाँ पे 150 कर लेते हैं ठीक है दोस्तों, हो गया बस आपका। फिर यहाँ पे जो ये 100 एमएम का एल है ये ऊपर हो जाएगा ठीक है, जैसे ओवरलैप भी हो जाएगा, यहाँ 150 एमएम आराम से ओवरलैप हो जाएगा, कैसे है क्योंकि यहाँ आपका आपको जो बचेंगे वो 376 ही बचेगा तो 150 एमएम 500 एमएम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है आपका वो इसमें हो जाएगा ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जैसे कि 500 माइनस कवर ठीक है 400 हो गया माइनस, फिर 24 एमएम 12 एमएम के लिए तो ये हो गया 376 एमएम, तो आप जो लैप दे रहे हो 150 500 एमएम हो गया, 500 माइनस 376 करेंगे आपको 124 एमएम यही मिल जाएगा क्योंकि इसमें ओवरलैप बहुत है। तो इतना ही काफ़ी दोस्तों, जो टू थर्ड आपको कहीं भी अगर कहीं पे भी एल नहीं दिया ना तो आपको ये टू थर्ड करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों।
आपकी ये BBS भी हो गया, ठीक है। और जो चार बार नंबर फोर है वो क्या है, फोर नंबर्स टोलेमा मिडाया डेड सेवन सेंटर सेम है। तो यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हो कहाँ पे यहाँ कॉर्नर पे दिया हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं, सीधा बार है, इसमें कोई एल भी नहीं है, तो वो भी हमने लगा लिया, ठीक है। चार नंबर्स इसका आ गया, तो आपका जो 446 kg आ गया। मेनली आपके जो एल है और ये जो सेम है, ये कैसे बनानी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपका जो इस टाइप की कोई भी वीडियोस चाहिए, ठीक है, ये भी मैंने एक दोस्त को जैसे कि रिक्वेस्ट में बनाया था, तो आपका भी कोई भी यार आपका मेरा जो ड्राइंग पे यार मेरा को इस BBS में दिक्कत आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस ड्राइंग को हमें हमारा जो मेल ID यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है, उसका लगभग भी मैं बताता हूँ, जैसे कि success555888@gmail.com, ठीक है। इस मेल ID पे आप अपना ड्राइंग भेज सकते हो, अपना ड्राइंग भेज के आपको जो भी जिसमें डाउट है, ठीक है, हर चीज़ उसमें समझ भी सकते हो क्या क्या, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम सब कुछ ही ऑटोमेटेड हो जाए, ठीक है, उस टाइप का भी हम कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप इनपुट दे दो डेटा उस ड्राइंग के हिसाब से, तो आपका ऑटोमेटेड हो जाए, उस टाइप का भी हम बना के देते हैं। तो आपको कोई भी इस रिलेटेड सिविल रिलेटेड का आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको इसमें इस चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक जरूर करना यार, बहुत लोग वीडियो तो देखते हैं, ठीक है, दो चीज़ नहीं करते, एक तो लाइक नहीं करते हैं और एक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं जैसे कि देखता हूँ कि मतलब 500 लोग वीडियो देखा, 1000 लोग वीडियो देखा, लेकिन सब्सक्राइबर इतने नहीं आते, ये प्रॉब्लम है। तो मतलब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा और एक वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर लेना, ताकि यार उनको भी एक समझ में आ जाए कि यार ये जो यल है यहाँ पे कैसे निकालूं मैं, और किसी की भी ये डाउट रह सकता है, ठीक है, इस स्टेप में आपके ये सब कुछ काम आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।